हेलो एवरीवन, मैं स्मित सांगवान लूसेंट कोचिंग क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक एचसीएफ एंड एलसीएम पढ़ेंगे, ठीक है, जिसके क्वेश्चन जिसके दो से तीन क्वेश्चन आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। एचसीएफ एंड एलसीएम में सबसे पहले हम एचसीएफ पढ़ेंगे, फिर हम एलसीएम पढ़ेंगे, फिर हम एचसीएफ एंड एलसीएम के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। एचसीएफ में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मिनिमम सेकेंड्स में एचसीएफ निकाल सकते हो, उसकी ट्रिक क्या होती है, कैसे आप क्वेश्चन को ऑप्शन से स्ट्राइक कर सकते हो, मतलब किसी भी अगर एचसीएफ का अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो कैसे आप उस क्वेश्चन को मिनिमम सेकेंड्स के अंदर सोल्व कर पाते हो। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक रहेगा आज का एचसीएफ एंड एलसीएम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एचसीएफ पढ़ेंगे। एचसीएफ आपको पता है क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम समाप्त फर्क। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है, एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन एंड फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाँ, महत्तम समाप्त वर्धक इसको हिंदी में कहते हैं। एचसीएफ की डेफिनेशन क्या होती है, एचसीएफ इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच कैन बी डिवाइडेड ऑल गिवन नंबर्स, मतलब एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई सभी संख्याओं को पूरी पूरी भाग करती है। HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई, मतलब जितनी भी संख्याएं आपके पास दे रखी हैं उन सभी को पूरा पूरा भाग करें। मान लो आपके पास तीन संख्याएं, चार संख्याएं, पांच संख्याएं, कितनी भी संख्याएं हो, उन सभी को, पांच संख्याएं तो पांचों को, छह संख्याएं तो छह को, अगर आपके पास तीन संख्याएं तो तीनों को, जो संख्या पूरा पूरा भाग करेगी, और मान लो उन संख्याओं को भाग करने वाली भी आपके पास तीन संख्याएं, तो उन तीनों संख्याओं में से आप ये देखो कि इन संख्याओं को भाग करने वाली इन तीनों में से जो बड़ी संख्या होगी, सबसे हाईएस्ट नंबर, वही क्या माना जाएगा, एचसीएफ। मान लो उन संख्याओं को एक भाग करता है, दो भाग करता है, तीन भाग करता है, तो एचसीएफ एक नहीं हो सकता, दो नहीं हो सकता, एचसीएफ आपका कितना होगा, तीन, क्योंकि तीन क्या हो गया, एक दो तीन में सबसे बड़ी संख्या हो गई। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई सभी संख्याओं को पूरा पूरा भाग करे। देखो एग्जांपल से मैं आपको इसको समझाता हूं कैसे। जैसे आपके पास कोई भी नंबर है, अगर आपको उन नंबर्स का एचसीएफ निकालना है, मैं कह देता हूं आपके पास नंबर है 12 एंड 16, आपको 12 एंड 16 का एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ की हमने सबसे पहले क्या डेफिनेशन पढ़ी, HCF की क्या डेफिनेशन पढ़ी है, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे पहले फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं गुणनखंड, फैक्टर क्या होते हैं, गुणनखंड, जो भी संख्याएं किसी संख्या को पूरा पूरा भाग करते हैं, मतलब कंप्लीट डिवाइड करते हैं, वो उस नंबर के क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूं, मान लो आपके पास 10 है, इस 10 को आप ये देखो कि कौन कौन से नंबर है जो कंप्लीट डिवाइड करते हैं, 1 डिवाइड कर रहे हैं, 2 डिवाइड कर रहे हैं, 5 डिवाइड कर रहे हैं, तो ये तीनों संख्याएं इसकी क्या हो गई, फैक्टर हो गई। अगर मैं कहूं 15 है, 15 को कौन सी संख्याएं भाग करती हैं, 1 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं और 15 कर रहे हैं, और यहां पे आपका 10 भी आ जाएगा, तो ये चारों संख्याएं इस संख्या के क्या है, फैक्टर। तो आपको फैक्टर समझ में आ गया होगा कि जो भी संख्याएं जिस संख्या के फैक्टर निकालने, उस संख्या को जो संख्याएं पूरा पूरा भाग करती हो, कंप्लीट जो डिवाइड करते हैं, वो उसके क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। अब सबसे पहले बात आती है, एचसीएफ होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर। अब 12 क्या फैक्टर देखो कि 12 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, मतलब 12 को कौन कौन सी संख्याएं क्या करती है, डिवाइड करती है, तो 12 को सबसे पहले 1 भाग करता है, 2 भाग करता है, 3 करता है, 4 करता है, 6 करता है और 12 करता है, यही करते होंगे संख्याएं 12 को भाग। अब 16 की बात आती है, 16 को कौन सी संख्याएं भाग करती हैं, 1 करते, 2 करती है, 4, 8 और 16, 1 भाग करते हैं, 2 करता है, 4 करता है और 8 करता है, 16, 12 को 1 2 3 4। अब सबसे पहले हमने देखो HCF की जो फुल फॉर्म है, HCF को ही सॉल्व कर रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमने फैक्टर को सॉल्व कर दिया, हमें पता लग गया ये इस नंबर के क्या आएंगे, फैक्टर आएंगे। उसके बाद आओ उसके बैक में थोड़ा सा चलो, सी, सी से क्या बनता है, कॉमन। अब आप ये देखो इन नंबर में से कॉमन नंबर क्या क्या है, 1 है,
टू है और क्या है फोर. हमने कॉमन निकाल लिया क्या वन टू फोर. ये नंबर कैसे नंबर है, ये नंबर आपके कॉमन नंबर है हाईएस्ट को. अब उसके बाद आता है कॉमन, हमने कर लिया HCF होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर को हमने सॉल्व किया. C का मतलब कॉमन, कॉमन नंबर, नंबर हमने निकाल लिए. अब देखो 1 2 4 ऐसे नंबर है, 1 है वो 12 को भी डिवाइड करता है, 16 को भी डिवाइड करता है, 2 है वो भी 12 को डिवाइड करता है और 16 को डिवाइड करता है, 4 है वो भी 12 को डिवाइड कर रहा है और किसको डिवाइड कर रहा है 16 को. ये तीनों के तीनों नंबर आपके पास क्या आ गए, कॉमन नंबर आ गए. अब HCF मैंने बताया था बड़ी से बड़ी हाईएस्ट नंबर होता है, तो 1 2 4 में हाईएस्ट नंबर कौन सा है जो 12 और 16 को डिवाइड करता है, मतलब कौन सा नंबर है 4. तो 4 क्या होगा 12 और 16 का क्या हो जाएगा HCF. आ गया समझ में, 12 क्या होगा 4 और 16 का क्या हो जाएगा HCF. अब मैं HCF के आपको कुछ बातें बताता हूं जिसमें आपको ये पता लगेगा कि HCF क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता. कितने भी संख्याएं मान लो मैं कह दूं आपके पास कोई भी नंबर है 12 है ठीक है 16 है और मान लो आपके पास है 24. ये तीन संख्याएं अगर हम ले लेते हैं, ये तीन संख्याएं हम ले लेते हैं, आपसे पूछा गया है HCF क्या होगा. तो देखो यहाँ पे देखना आप कि HCF कौन सी संख्याएं होती हैं. 12 16 और 24 हमने लिया, 12 16 24 और मान लो आपके पास 40 भी, ठीक है. यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा वो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है. HCF कभी भी दो संख्याओं के अंतर से बड़ा नहीं हो सकता. HCF ध्यान से सुनना, HCF कभी भी दो संख्याओं के अंतर से बड़ा नहीं हो सकता. जी हाँ, HCF कभी भी दो संख्याओं के अंतर से क्या नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता. अब जो अंतर है वो अंतर भी देखो, ये नहीं है कि आपको सभी संख्याओं का अंतर निकालना पड़ेगा, अंतर भी आपको वो अंतर देखना है कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिन दो संख्याओं के का डिफरेंस मिनिमम है, जिन दो संख्याओं का डिफरेंस क्या है मिनिमम है. अब ये बताओ 12 16 24 और 40, अब देखो 24 और 40 का डिफरेंस कितना हो गया 16, 16 और 24 का डिफरेंस कितना हो गया 8, 12 और 16 का डिफरेंस कितना होगा आपका 4. मतलब इन दोनों नंबर का डिफरेंस क्या हो गया 4. तो मैं कह सकता हूं कि ये जो संख्याएं हैं इन संख्याओं का HCF किससे बड़ा नहीं हो सकता, 4 से बड़ा नहीं हो सकता. या तो इन संख्याओं का डिफरेंस 4 होगा या 4 से क्या होगा छोटा, और 4 से छोटा भी वही नंबर होगा जो 4 को क्या करेगा कंप्लीट डिवाइड करेगा. हाँ ध्यान से सुनना मेरी बात कि HCF कभी भी दो संख्याओं के अंतर से क्या नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता, और अंतर भी आपका वो नंबर होगा जिन संख्याओं के बीच में अंतर सबसे क्या होगा कम. अब देखो ये अंतर लिया हमने 4 है, अब वो 12 को भी डिवाइड कर रहा है 16 को भी 24 को भी और किसको 40 को, मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है सबसे, मतलब सॉरी 4 है वो सभी को डिवाइड कर रहा है, तो हम कह सकते हैं HCF क्या होगा 4 होगा. आगे बात समझ में, ये पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि HCF कभी भी दो संख्याओं के अंतर से क्या नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आता है HCF कभी भी जो भी आपको सीरीज दी गई है, HCF कभी भी जो भी आपको सीरीज दी गई है, सीरीज का मतलब मैं यहाँ पे कह रहा हूं जैसे चार नंबर दे दिए, पांच नंबर, छह नंबर, सात नंबर, कितने भी नंबर हो सकते हैं, HCF कभी भी जो भी आपको सीरीज दी गई है उनमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है, जो भी आपका क्या है स्मॉलेस्ट नंबर है सबसे छोटी संख्या है, उससे भी कभी बड़ा नहीं हो सकता. अब यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या है 12 है, मतलब इस सीरीज का HCF किससे बड़ा नहीं हो सकता, 12 से बड़ा नहीं हो सकता. या तो इस सीरीज का HCF 12 होगा या 12 से क्या होगा कोई छोटा नंबर होगा. अब देखो क्या 12 सभी नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है. सबसे पहले आप सबसे छोटा नंबर देखो उस सीरीज में, क्या वो सभी नंबर को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा. अगर वो नंबर डिवाइड नहीं कर रहा तो फिर आप क्या देखोगे, डिफरेंस देखोगे. अब सेकंड पॉइंट कई बच्चों के माइंड में ये आएगा कि डिफरेंस तो दो कंटिन्यू नंबर का ही लेना है, नहीं, डिफरेंस आप कोई भी ले सकते हो. जैसे मैं सीरीज लिख देता हूं आपके पास, एक और आपके पास है 12 20 60 95 और यहां पे लिख दिया मैंने 30.
अब मैं कहूं कि इस सीरीज का एचसीएफ क्या होगा, तो आपको देखो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर है 12 तो इनका हो नहीं सकता, क्योंकि 12 किसको डिवाइड, 20 किसी भी नंबर 60 को डिवाइड कर रहा है, बाकी नंबर को क्या कर रहा है, डिवाइड नहीं कर रहा। अब हम डिफरेंस पे आते हैं, तो यहां पे आप लोग बताइए सबसे कम डिफरेंस किन दो संख्याओं के बीच में, 12 के और 13 के बीच में क्या है डिफरेंस, क्या है कम है 12 के और 13 के बीच में डिफरेंस क्या है, सबसे कम है, कितने का डिफरेंस है 1, मतलब आप कह सकते हो कि 1 इस क्वेश्चन का क्या होगा एचसीएफ। तो डिफरेंस की बात आती है तो ये मत सोचना कि डिफरेंस किन्हीं भी दो कंटिन्यू नंबर का लेंगे, डिफरेंस आप यहां से नंबर उठा लो यहां से, आपको वो दो नंबर लेने हैं जिन दो नंबर के बीच का डिफरेंस क्या होगा सबसे कम होगा, मतलब सबसे छोटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कभी भी अगर आपके पास जो भी सीरीज है, मान लो सीरीज आपके पास ये आ गई 17, 24, 68, 108, 955, कभी भी अगर आपके पास सीरीज में कोई भी अगर प्राइम नंबर आ जाता है, कभी भी अगर आपके पास सीरीज में क्या आ जाता है प्राइम नंबर आ जाता है, तो उस सीरीज का एचसीएफ आप कह सकते हो 99% केस में क्या होगा 1 ही होगा, 99% केस में क्या होगा आपका 1 ही होगा। 1% केस आपका कौन सा बचता है कि उस सीरीज का आंसर और कोई नंबर हो सकता है, वो आपका तभी बचता है अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिखता 70, 34, 68 या मैं लिख देता 85, तो वो केस तभी बचेगा कि देखो प्राइम नंबर 17 है, सभी के सभी अगर इसी प्राइम नंबर के मल्टीपल हैं, मतलब 17 2 34 17 4 68 17 5 85, अगर सभी प्राइम नंबर इसी नंबर के मल्टीपल हैं, तब क्या हो जाएगा खुद वो प्राइम नंबर ही क्या होगा आपका HCF होगा, 99% केस में क्या हो जाएगा आपका HCF 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर एक बार भी प्राइम नंबर आ जाता है तो उसको डिवाइड सिर्फ 1 ही कर सकता है और कोई नंबर डिवाइड नहीं करेगा, या तो वो खुद होगा। अगर किसी सीरीज में आप कह सकते हो अगर आपको कोई भी प्राइम नंबर दिख जाता है तो उस सीरीज का या तो आंसर क्या होगा 1 होगा, या खुद वो प्राइम नंबर ही उस सीरीज का क्या हो सकता है HCF हो सकता है। लास्ट पॉइंट क्या है, HCF हमेशा एक या एक से क्या होगा आपका बड़ा होगा, HCF हमेशा क्या होगा आपका एक या एक से बड़ा होगा, HCF कभी भी एक से छोटा नहीं होगा, क्योंकि 1 आपका एक ऐसा नंबर होता है जो सभी नंबर्स को क्या कर सकता है कंप्लीट डिवाइड कर सकता है, जितना आपके पेपर में आएगा उतना यहीं पर आएगा कि 1 से बड़ा हो सकता है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो HCF के जो मैंने आपको बेसिक पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है, साथ के साथ मैं लास्ट में आपको HCF निकालने का बेसिक मेथड बता देता हूं कि HCF निकालने का बेसिक मेथड क्या होता है। देखो HCF निकालने का बेसिक मेथड क्या होगा आपका, अभी अभी हमने 12 और 16 का HCF निकाला था, आपका 4 आया था, अगर मैं सेम 12 एंड 16 का HCF निकालूं तो बेसिक मेथड आपका ये होता है फैक्टर से, सबसे पहले 2 से डिवाइड करो 6 पे, फिर 2 से 3 पे, फिर 3 से किस पे 1 पे, फिर 16 को डिवाइड करो 2 से किस पे 8 पे, फिर 2 से 4 पे, फिर 2 से 2 पे, फिर 2 से किस पे आएगा 1 पे। अब यहां से आप क्या निकालो, देखो 2 यहां पर है यहां पर भी है तो आपने लिख लिया क्या 2, फिर 2 यहां पर भी है 2 यहां पर भी है तो आपने एक और क्या लिख लिया 2, फिर 3 यहाँ पे लेकिन इनमें नहीं है, 2 यहाँ पे वो नहीं है, सिर्फ 2 ही 2 क्या आ रहे हैं कॉमन आ रहे हैं, तो आप कह दोगे 2 इनटू में 2 क्या आएगा 4, 4 ही आपका क्या होगा आंसर होगा, मतलब इस क्वेश्चन का एचसीएफ आपका कितना होगा 4, ठीक है, डन है यहां तक। चलो अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 18, 30, 36 and 84। इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 5 से 6 सेकंड में सोल्व कर सकते हो। सबसे पहले देखो मेरी कही हुई बात ध्यान में रखना, आपके पास नंबर है, और एक बात और, जब आप कभी एचसीएफ निकालो ना, एचसीएफ आपको पता है हाईएस्ट नंबर होता है, तो जब आपके पास HCF के 4 ऑप्शन होंगे ना, तो आपको पता है HCF हाईएस्ट नंबर होता है, तो सबसे पहले हम बड़े ऑप्शन से ही ट्राई करेंगे, HCF में कभी भी आप छोटे नंबर से ट्राई नहीं करोगे। देखो अब आपको दे रखा है 18, 30,
36 एंड 84 का एचसीएफ निकाल। अब जो मैंने बताया था वो मेथड आप अप्लाई करो। क्या 18 सबसे पहले सभी नंबर को डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा, 30 को डिवाइड। अब ऐसे दो नंबर देखो जिन दो नंबर के बीच का डिफरेंस सबसे कम है। कौन से दो नंबर ऐसे हैं जिनका डिफरेंस सबसे कम है? ये इनका डिफरेंस कितना है? 12। अब ये देखो क्या ये 12 सभी नंबर को डिवाइड कर रहा है? 12 है वो 30 को डिवाइड नहीं कर रहा, मतलब 12 आपका HCF नहीं हो सकता। अब 12 अगर आपका HCF नहीं हो सकता तो HCF होगा क्या? अब आप ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले लो आप 8। क्या 8 इस 12 को डिवाइड कर रहा है? 8 अगर 12 को ही डिवाइड नहीं कर रहा तो 8 इनका HCF नहीं हो सकता, ये आप काट दो। उसके बाद बात आती है 6 है वो 12 को डिवाइड कर रहे हैं। अब 6 12 को तो डिवाइड कर रहा है, 6 18 को भी डिवाइड कर रहा है, 6 36 को भी, 30 को भी और 84 को भी, मतलब 6 है वो सभी नंबर को डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली। तो आप कह सकते हो इस क्वेश्चन का एचसीएफ क्या होगा? 6। देखो डिवाइड आपका 2 भी कर रहा है, 2 18 को 30 को, 34 84 को कर रहा है, 3 भी आपका डिवाइड कर रहा है, लेकिन 2 एंड 3 एचसीएफ क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि 2 3 से बड़ी संख्या क्या है? 6 है। और HCF क्या होता है? आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, बड़ी संख्या। तो 2 3 और 6 में बड़ी संख्या कौन सी आपकी? 6 है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6। आ गया समझ में? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को ऑप्शन से स्ट्राइक कर सकते हो कि हम HCF में सबसे पहले डिफरेंस लेंगे और डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सेकंडों में, ठीक है? आपके पास एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट ऐसे करोगे, दोनों का डिफरेंस क्या लिया आपने? 12 से डिवाइड नहीं हो रहा। 12 को डिवाइड करने वाले ऑप्शन देख लो, और जो ऑप्शन 12 को डिवाइड करेगा क्या वो इन सभी को डिवाइड कर रहा है, वही क्या होगा आपका आंसर, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 90 108 180 एंड 360। फाइंड द एचसीएफ, ठीक है? तो देखो आपके पास नंबर है, आपके पास 90 108 180 एंड 360। क्या 90 सभी को डिवाइड कर? सबसे पहले जो सीरीज में मैंने आपको बताया था सबसे छोटी संख्या वही चेक करो, क्या 90 सभी नंबर को डिवाइड कर रहा है? नहीं, 90 108 को डिवाइड कर नहीं कर रहा, वैसे 90 180 को कर रहा था, 360 को। अगर इसको और करता तो हम कह सकते थे हमारा एचसीएफ क्या होगा? 90 नहीं कर रहा। अब ये बताओ किन दो संख्याओं के बीच में डिफरेंस सबसे कम? इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? कितने का डिफरेंस है? 18 का। अब ये बताओ क्या ये 18 सभी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं? 18 है वो 90 को कर रहा है, 5 पे 6 पे इसको कर रहा है, 10 पे इसको कर रहा है और 20 पे 360 को, मतलब 18 है वो सभी नंबर को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी होगा, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 80। देखो बिल्कुल आसान है ना। तो आपको ये नियम फैक्टर मेथड बनाएंगे, पेपर में आपको क्वेश्चन पूरा पेपर करना होता है, ये नहीं कि दो क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम के करने, तो वहां पे आप ऐसे नहीं करोगे कि फैक्टर मेथड यूज, फिर बच्चों की तरह पेयर बनाते रहोगे जैसे सेकंड थर्ड क्लास में बनाते हैं। तो आपको इस तरह से एचसीएफ निकालना है, ठीक है? डिफरेंस देखा 18, क्या 18 सभी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? 18, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, आपके पास क्वेश्चन है 43 56 96 और आपको 125 का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। 43 56 96 एंड 125 को आपको क्या निकालना है? एचसीएफ। मुझे पता है काफी बच्चों का आंसर आ चुका होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। देखो आपने देखा 43 प्राइम नंबर रहता है, प्राइम नंबर की आपको डेफिनेशन मैंने बता रखी है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो। और 43 आपका क्या है? एक प्राइम नंबर है। 43 आपका क्या है? एक प्राइम नंबर है। आपने देखा कि 43 एक प्राइम नंबर है, मतलब 43, अब देखो 43 की टेबल के तो नंबर हमें दिख नहीं रहा। तो मैंने आपको बताया था जब भी किसी भी सीरीज में अगर प्राइम नंबर आपको मिल जाता है तो उस सीरीज का आंसर 99% क्या होगा? या तो वो सॉरी 99% क्या होगा? 1 होगा। 1% क्या होगा? या वो खुद हो नहीं सकता, क्योंकि ये 43 के मल्टीपल नहीं है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? सभी को पता है, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1। और 1 आपका कोई भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? None of these, ठीक है? तो क्वेश्चन में आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूं, इनके आप प्रैक्टिस करना, किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस करना, ठीक है? पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है? एचसीएफ निकालने का इससे बेस्ट मेथड आपको कोई नहीं बता पाएगा पूरे यूट्यूब पे, ठीक है? तो यही आपका एचसीएफ, ऐसे ही आप क्वेश्चन को निकालोगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
फाइंड द HCF ऑफ 116245642421085। इन नंबर का HCF क्या होगा? क्या क्या है आपके पास? 116240564242 and 1085। इन नंबर्स का आपको क्या बताना है? HCF बताना है। तो बताओ इन नंबर का आपका HCF क्या होगा। सबसे पहले आप ये देखो कि कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जिन दो संख्याओं के बीच में अंतर सबसे कम है, क्योंकि सबसे छोटी 16 चिन्ह मुझे नहीं लगता। कोई भी इवन नंबर कभी भी आपको पता है किसी ओड नंबर को डिवाइड नहीं करता है, तो 116 तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब इसका देखो 116 है, 240 आपका 242 है और 1085 है। सबसे पहले देखो आपके पास ऑप्शन है 2 है, 4 है, 1 है और आपके पास ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, अब इससे पहले भी देखो भी एक बार जो मैंने आपको बताया था कि आप डिफरेंस कहीं पर भी दो नंबर का देख लो, ये जरूरी नहीं है सीरीज में। तो जैसे ही हम इसका देख पा रहे हैं तो 240 और 202 का डिफरेंस क्या है? 2 आ रहा है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर किससे बड़ा नहीं हो सकता? 2 से बड़ा नहीं हो सकता। आपको एग्जामिनर इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए देखो बड़े नंबर दे रखे थे आपको। ठीक है, एक नंबर यहाँ पे लिख दिया, एक नंबर, हमें जल्दबाजी में क्या नहीं रहता, ध्यान नहीं रहता, तो हम यहाँ पे भी डिफरेंस ले सकते थे। ठीक है, फिर हम सोल्व करते रहते उसमें टाइम। तो हमें एक बार देखना है कि 240 और 242 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अब ये देखो क्या 2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा? 2 इसको डिवाइड कर रहा है, 240 को, 564 को, 242 को, 2 है वो 1085 को डिवाइड नहीं कर रहा, तो 2 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। अब 2 के बाद कौन सा नंबर? 2 से बड़ा तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा? 2 से छोटा ही होगा, 2 से छोटा 1 ही है। 1 से आपको पता है कभी भी 1 से या 1 से बड़ा ही आपका क्या होता है? HCF होता है। तो इस क्वेश्चन का HCF हम बता सकते हैं क्या होगा। तो जब आपके पास इस तरह की कोई सीरीज आ जाती है तो आपको देखना होगा जो मैंने आपको बताया था कि ये नहीं, आप कंटिन्यू नंबर का डिफरेंस, दो संख्याएं हम कहीं से भी उठा सकते हैं क्या निकालने के लिए? HCF निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द HCF ऑफ 24, फाइंड द HCF ऑफ 24 120504 600 1224। इन नंबर्स का आपको क्या बताना है? HCF बताना है। ठीक है, तो इन नंबर का HCF कैसे? सबसे पहले क्या देखेंगे? डिफरेंस। डिफरेंस से पहले आप ये देखो यहाँ पे 24 है, इस 24 को ही चेक कर लेते हैं, क्या ये 24 सभी नंबर को पूरा पूरा भाग कर रहा है? 24 है वो 120 को ही भाग कर रहा है। 24 दूनी 48 24 एकम 24 500 को भी। ठीक है, 24 है वो 600 को भी और 24 है वो मेरे अकॉर्डिंग 1224। 24 पंजे 120 24 एकम 24, मतलब 51 पे डिवाइड कर रहा है। ये जो 24 है ये सभी नंबर को क्या कर रहा है? कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, पूरा पूरा क्या कर रहा है? भाग कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपका 24 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 24 होगा। ठीक है, आ गया समझ में? तो HCF के आपको जो कुछ बातें मैंने बताई वो बिल्कुल ध्यान में रखना है कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, सबसे बड़ा होता है, कॉमन होता है, और जो भी सबसे बड़ी संख्या भाग करती है वो क्या होता है? HCF होता है। ठीक है, HCF कभी भी एक से छोटा नहीं हो सकता, कुछ एक्सेप्शन है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक से छोटा कभी नहीं हो सकता, हमेशा एक या एक के क्या होता है? एक के बराबर या एक से हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। HCF हमेशा दो संख्याओं के बीच का क्या होता है? अंतर होता है। ठीक है, उस अंतर से बड़ा कभी भी HCF नहीं हो सकता। या फिर आपका HCF क्या होता है? जो भी सीरीज के अंदर सबसे छोटी संख्या होगी वही क्या हो सकता है? आपका HCF हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कभी भी अगर प्राइम नंबर कोई सीरीज में होता है तो उसका 99% वन ही होगा या फिर खुद वो प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो आज जो मैंने आपको पढ़ाया उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।